لبيك لبيك لا شريك لك لبيك। अभी मीडिया के ऊपर एक इसी तरह के नफरत के एक ड्रम ने फतवा दिया है, ये मारूफ शख्सियत मिर्जा मोहम्मद अली, जो बहुत ही बेबाक इंसान है, दलेर निडर इंसान है, और मैं समझता हूँ कि अहलुल बैत के दिफा में जितना इन्होंने जानाना दिफा किया है इतना किसी और ने नहीं किया है। उनका एक अपना अंदाज है जिस पे किसी को इतराज़ भी हो सकता है, मुश्किलात हो सकती हैं, वो अपनी जगह पर है, लेकिन इस ज़माने में अहलुल बैत के साथ जो इनकी डेडिकेशन है, जिस तरह बाकी उलमा भी हैं चांदे, लेकिन ये उस मैदान में तमाम मसलहतें छोड़कर सामने आकर अहलुल बैत का दिफा बहुत ज़बरदस्त अंदाज से करते हैं, और इसी के यानी असल जुर्म उनका यही है। चंद उलमा अहले सुन्नत में जो अहले सुन्नत की तरफ से मातूब हैं, उनका असल जुर्म यही है कि अहलुल बैत के साथ खड़े होते हैं, जैसे मौलाना तारिक जमील साहब हैं, अहलुल बैत की वजह से उनके साथ ये रवैया है, और इसी तरह ये भी हैं, ये अहले हदीस अपने आप को कहते हैं, लेकिन अहले हदीस इन पर ज़्यादा इतराज़ करते हैं दूसरों की नस्बत। आज़ाद सोचते हैं, आज़ाद फिक्र का आदमी है, और बात करते हैं तो बात का जवाब बात से दें, अगर आपके मसलक के बारे में उन्होंने बात की है, कोई दलील दी है, तो आप बात से, लेकिन मुकाबले में उन्होंने इनके वाजिबुल कत्ल होने का कहा है कि पहले हुकूमत इनको कत्ल करे, और अगर हुकूमत नहीं करती तो गाजी उठ के ये काम करे, तो गाजी अगर उठना शुरू हो गए तो फिर तो गाजी हर तरफ उठेंगे, फिर तो सिर्फ आपका गाजी नहीं है, दूसरों का गाजी भी उठेगा, तो गाजी गाजी के मुकाबले में जब आएगा तो फिर वही उदम मचेगा मुल्क के अंदर। तो इस किस्म के जो नफरत फैलाने वाले हैं, नफरतों के बात तहमुल ही नहीं करते, बर्दाश्त ही नहीं करते, अगर आपको बात उनकी गलत लगती है तो आप उनको जवाब दें, आप इल्मी जवाब दें उनको, लेकिन ये जो हरकतें करते हैं ये बहुत ही नारवा है, इससे वो पिछला दौर दोबारा तकरार हो जाएगा। वो दौर नहीं है कि आपका गाजी निकल के कार्रवाई कर जाए, दूसरों का गाजी चुप खामोश बैठा रहे। आज जो हालात जहाँ पर पहुँचे हैं, आपका एक गाजी निकलेगा, दूसरों के दो गाजी मैदान में आ जाएंगे, तो रुकेगा नहीं ये सिलसिला, कहीं भी नहीं रुकेगा, इस तरफ ना आए। और मुझे ताज्जुब है कि इदारे और बाकी हुकूमती सरकारी वो भी इन बयानात को नोटिस नहीं लेते, आज खुद नोटिस नहीं लेते, हमारे चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लेके आज खुद को भी बर्बाद किया, रुसवा किया, जलील किया, और मुल्क को भी आज खुद नुकसान पहुंचाया और बहरान खड़ा कर दिया है। इन चीज़ों का आज खुद नोटिस लो इदारे, कि इस किस्म के अफराद जो माहौल बनाना चाहते हैं उसको रोकने की कोशिश करें आप। लेकिन इख्तलाफात का कोई अर्ज नहीं है, मिर्जा मोहम्मद अली को हर एक से इख्तलाफ है, शियों से भी इख्तलाफ है, तो इख्तलाफ वाले की सजा मौत नहीं होती, इख्तलाफ वाले की सजा या इख्तलाफ वाले का जवाब है दलील से, अगर आपके मजहब पे उन्होंने कोई बात की है कि ये साबित नहीं है तो आप साबित करो उनकी बात, न कि जाकर कहो कि वाजिबुल कत्ल है और उसको ख़त्म कर दो जाकर, ये माहौल दुरुस्त नहीं है।